हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पोंचो का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसकी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन बनाने में बहुत सिंपल है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ गले की मेज़रमेंट लेनी होगी, उसी से आपका ये पूरा पोंचो तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये नीचे की तरफ से ओपन होता है, तो इसमें आपको इतने मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लाइट वेट या हैवी वेट किसी भी तरह का वूल ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी सभी सिंपल और ईजी वीडियोज़ आपको मिल सकें। मैं आपके लिए जो भी डिज़ाइन लेकर आती हूँ वो बहुत सिंपल हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप मेरी वीडियोस को देखकर कुछ भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये पोंचो की वीडियो। सबसे पहले हम 64 चेन्स लेंगे। स्लिप नोट लगाते हुए इसी तरह से हम टोटल 64 चेन्स बना लेंगे। 64 चेन लेने के बाद ये देखिए, इस तरह से हम फ्रंट साइड से चेन रखते हुए फर्स्ट और लास्ट चेन को जॉइंट करते हुए रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए स्लिप स्टिच लगा देंगे और ये एक रिंग बन जाएगा इस तरह से। अब हम इसमें वर्क करेंगे, 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेन्स में हम लास्ट तक इसी तरह से 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना है। इसके बाद हम ये देखिए 1, 2, 3 थर्ड चेन पे इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए जॉइंट करेंगे। ये हमने टोटल 64 चेन्स ली थी, तो हमारे पास टोटल 64 डबल क्रोशिया बने हैं। अब यहाँ पे हम इनको हाफ हाफ करेंगे अपने दोनों कॉर्नर्स बनाने के लिए। ये देखिए, ये हमने 64 का हाफ किया, तो हमारे पास 32 32 हमने डिवाइड करके बीच में ये हमने मार्कर लगाया है। ये देखिए, यहाँ से हम अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया है वहाँ पे हम एक कॉर्नर बनाएंगे स्टार्टिंग में। उसके लिए हम ये देखिए 3 चेन्स लेंगे, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, टोटल 3 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। 2 चेन्स लेंगे और सेम स्पेस में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। ये यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर बना है और ये जहाँ पे हमने मार्कर लगाया है यहाँ पे हमारा दूसरा कॉर्नर बनेगा। इसके बाद हम 2 चेन्स लेंगे। ये देखिए, 1 2 3 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ में 1 डबल क्रोशे,
टू चेन और सेम स्पेस में ही वन डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये वी का डिज़ाइन बनेगा। फिर से हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं लेनी है, फिर से हम वन टू थ्री थ्री चेन स्किप करेंगे और फोर्थ में इसी तरह से वन डबल क्रोशे, टू चेन्स और सेम स्पेस में वन डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हम थ्री चेन स्किप करेंगे, वन टू थ्री और फोर्थ में वी बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, फोर्थ में हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे, टू चेन और सेम स्पेस में वन डबल क्रोशे, फिर से वी बनाएंगे। इसी तरह से हम मार्कर तक अपना वी का डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने ये वी बनाए हैं। अब नेक्स्ट जो हमने मार्कर लगाया था वहाँ पे भी हम अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ से हम मार्कर हटाएंगे, वन टू थ्री, यहाँ पे हम ये देखिए कॉर्नर बनाने के लिए थ्री डबल क्रोशे लेंगे। टू चेन लेंगे और सेम स्पेस में थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट हम फिर से जैसे हमने यहाँ पे वी बनाया है, ये हम अपने इस कॉर्नर तक इसी तरह से थ्री थ्री चेन स्किप करते हुए वी बनाएंगे, वन टू थ्री। ये फोर्थ में यहाँ पे देखिए वन डबल क्रोशे, टू चेन और सेम स्पेस में ही वन डबल क्रोशे। ऐसे ही हम यहाँ पे भी पूरी रो में वी बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए ये हमारा लास्ट वी बना है। इसके बाद हम कॉर्नर के बाद जैसे हमने टू चेन्स ली थी, इसके जहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे उससे पहले कॉर्नर से पहले भी हम टू चेन्स लेंगे। बीच में हम कहीं चेन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कॉर्नर दोनों कॉर्नर्स के साथ हम टू टू चेन्स बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी और दूसरे कॉर्नर पे भी। और ये इस तरह से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फर्स्ट रो बनाने के बाद ये हमारा यहाँ से नेक का डिज़ाइन वी शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमेशा हम यहाँ पे जब भी कॉर्नर बनाएंगे एंड तक हम जितना हमें पोंचू बनाना है उतना हम एंड तक ये कॉर्नर बनाएंगे, तो दोनों तरफ हम बीच में टू टू चेन्स ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हम इंक्रीज करता हुआ बनाएंगे तो इसमें ये टू टू चेन्स दोनों ही कॉर्नर्स पे बनेंगी। बीच में सिर्फ हमने ये डिज़ाइन में वी के शेप में टू चेन ली है, अदरवाइज़ हमने बीच में कोई चेन नहीं ली है। नेक्स्ट हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे, इसके लिए जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया है अब हमें इस टू चेन स्पेस में वर्क करना है। तो इसके लिए हम देखें यहाँ से जो नेक्स्ट चेन है वहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे और फिर हम अपने टू स्पेस में स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ से हम अपना वर्क करेंगे। यहाँ पे हम ये अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे, इस तरह से थ्री चेन्स लेंगे, टू थ्री, टू चेन लेंगे और सेम स्पेस में फिर से थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, फिर से हम टू चेन लेंगे। और ये जहाँ पे हमने वी बनाया है अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए देखिए जो हमारा वी का फर्स्ट डबल क्रोशे है,
यहाँ पे इसमें हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। ये हम इसके नीचे से इस तरह से क्रोशिया लेंगे और ये इस तरह से हम ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ऊपर की तरफ उठा हुआ स्टिच बन जाएगा, ये फ्रंट पोस्ट स्टिच बनेगा। अब हम वी के अंदर जो हमारा स्पेस है हम इसमें 1 2 3 थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और जो हमारा अब ये वी का दूसरा डबल क्रोशे है इसके ऊपर फिर से हम फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन आएगा। नेक्स्ट हम फिर से ये वी है जो इसके फर्स्ट डबल क्रोशे में इस तरह से क्रोशिया लेंगे और ये यहाँ पे डबल क्रोशे बना देंगे, फिर से वी में 3 चेन लेंगे, सॉरी 3 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 3, 1 चेन, सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 और फिर से ये दूसरे डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट वी में भी इसी तरह से फर्स्ट डबल क्रोशे पे फ्रंट पोस्ट स्टिच बनेगा, बीच में हमारा ये फैन डिज़ाइन आएगा, 1 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशे, 2 3, 1 चेन, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 और फिर से डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट स्टिच। ये हम जब भी वी में डिज़ाइन बनाएंगे हमेशा पहले फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे, फिर बीच में फैन डिज़ाइन बनाएंगे, फिर बीच में हम डिज़ाइन बनाने के बाद फिर से हम सेकंड वी के डबल क्रोशे पे फिर से फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। दोनों तरफ बीच में डिज़ाइन आएगा और दोनों तरफ हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच आएगा। इसी तरह से हम ये जब लास्ट तक बनाएंगे तो हम बीच में फिर बनाने के बाद 2 चेन लेंगे और फिर हम अपना कॉर्नर बनाएंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर हम इसी तरह से वी में यही वाला डिज़ाइन बनाते हुए लास्ट तक जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हम अपना फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर हम जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये देखिए हमारी 1 और 2 रोज कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से हमारे बीच में दोनों कॉर्नर्स आ जाएंगे, ये देखिए इधर भी और इधर भी। नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए इसी तरह से जैसे हमने लास्ट में राउंड में किया था, स्लिप स्टिच लगाते हुए हम बीच में आएंगे। यहाँ पे फिर से कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3, ये 2 चेन 3 चेन बनाने के बाद हमने 2 डबल क्रोशे लिए, फिर से 2 चेन लेंगे, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन लेंगे। ये देखिए जो हमारा 2 चेन स्पेस था इसमें हम ये फर्स्ट राउंड की तरह ही वी बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे, ये हमारा वी बनेगा। यहाँ पे फिर से ये देखिए जो हमारा फैन स्टिच है इसमें जो हमने 1 चेन ली थी, यहाँ पे भी फिर से 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, यहाँ पे भी वी बनाएंगे। इसी तरह से हम
सभी फैंस में वी बनाएंगे। ये फिर हमारा जो सेकंड कॉर्नर बनेगा, इससे पहले हम टू चेन लेंगे। नहीं, यहाँ पे हम ये जो चेन स्पेस है इसमें वी बनाएंगे, उसके बाद हम टू चेन लेंगे। कॉर्नर बनाने से पहले टू चेन ली, फिर यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। वन टू थ्री डबल क्रोशे बनाए, टू चेन लेंगे। वन टू, सेम स्पेस में थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, टू चेन लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे टू चेन स्पेस में वी बनाएंगे। नेक्स्ट फैन में फिर से वी बनाएंगे। ये देखिए हम पोंचू बना रहे हैं, तो ये हमारा फैलता हुआ बनता जाएगा, इसीलिए हम ये दोनों कॉर्नर्स पे टू टू चेन लेंगे, ताकि हम यहाँ पे अपना वन वन वी इंक्रीज़ करते जाएं और हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अब ये हम, ये देखिए इस तरफ भी वी बना लेंगे, और यहाँ पे वी बनाने के बाद टू चेन लेंगे और फिर यहाँ पर जॉइंट करेंगे थर्ड चेन में। ये फिर से जॉइंट करने के बाद थ्री स्लिप स्टिच बनाते हुए हम कॉर्नर बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशे, टू चेन, सेम स्पेस में फिर से थ्री डबल क्रोशे, टू थ्री, एक कॉर्नर बन गया। इसके बाद फिर से टू चेन लेंगे, और जैसे हमने ये सेकंड रो बनाई है फैन स्टिच वाली, फिर से हम ये देखिए वी में वही बनाएंगे। ये ऊपर की तरफ फ्रंट पोस्ट स्टिच, बीच में थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, वन चेन, फिर से थ्री डबल क्रोशे, वन टू और ये थ्री। फिर से ये देखिए जो इसका वी का सेकंड डबल क्रोशे है, उसके ऊपर भी फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट वी में फिर से फ्रंट पोस्ट स्टिच,
फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, सेम स्पेस में 1 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशे, 1 2 3, और ये 1 डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट को स्टिच। इसी तरह से हम ये देखिए यहाँ तक कॉर्नर तक आएंगे बनाते हुए ये डिज़ाइन, फिर 2 चेन लेंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर बी में इसी तरह से ये फैन स्टिच बनाएंगे, और ये इस तरफ भी फैन स्टिच बनाते हुए 2 चेन लेंगे, और यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए फिर से कॉर्नर बनाएंगे, और फिर से हम ये अपना वी का राउंड बनाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर से कॉर्नर बनाएंगे, और फिर हमारा ये फैन स्टिच राउंड बनाएंगे। उसी तरह से हम ये जितनी हमें लेंथ चाहिए इसी तरह से हम ये लेंथ बढ़ाएंगे अपनी। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई, फिर हम ये थर्ड रो सेम बनाएंगे, फिर हम फिफ्थ रो सेम बनाएंगे, फिर सेवन्थ रो सेम बनाएंगे, उसी तरह से हम ये सेकंड रो, फोर्थ रो, सिक्स्थ रो, एट्थ रो सेम बनाएंगे। 1 रो हम वी स्टिच की बनाएंगे और 1 रो हम ये फैन स्टिच की बनाएंगे, और इसी तरह से हम अपनी जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी लेंथ हम इसी डिज़ाइन से बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारे पोंचो की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये नेक बनाएंगे इसका। ये हमने अपना यहाँ पे धागा फिक्स कर लिया। ये हम 2 चेन ले लेंगे यहाँ पे। ये हमने 1 सिंगल क्रोशे लिया था तो टोटल हमारी ये 3 चेन होंगी। और ये देखिए जो हमारे 1 डबल क्रोशे हमने बनाए थे, ये हम फर्स्ट 1 डबल क्रोशे जो लेंगे इसके ऊपर से हम इस तरह से क्रोशिया लेके धागा निकालेंगे और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशे की तरह स्टिच बना लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच बनेगा। अब एक हम ये देखिए इसके जो हमारा 1 डबल क्रोशे है इसके बैक साइड में नीचे से क्रोशिया लेंगे, धागा निकालेंगे और यहाँ पे भी हम ये 1 डबल क्रोशे की तरह स्टिच बना लेंगे। ये हमारा बैक पोस्ट स्टिच होगा। नेक्स्ट में हम फिर से ये देखिए 1 डबल क्रोशे के ऊपर से स्टिच बनाएंगे। ये हमने फ्रंट पोस्ट स्टिच बना लिया। अब हम बैक साइड में नीचे से लेंगे, ये हमारा बैक पोस्ट स्टिच बनेगा। नेक्स्ट में हम फिर से फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट में हम फिर बैक पोस्ट स्टिच लेंगे। नेक्स्ट में फिर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हम एक स्टिच फ्रंट पोस्ट का लेंगे, एक हम बैक पोस्ट का स्टिच लेंगे, तो ये हम पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे अपना। देखिए ये हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। यहीं से अब हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। थ्री चेन लेंगे और ये देखिए नेक्स्ट उसमें हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच है तो इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट स्टिच ही बनाएंगे। सेकंड हमारा बैक पोस्ट है तो ये हम बैक पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच बनेगा। ये नेक्स्ट हम बैक है तो बैक पोस्ट स्टिच बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट स्टिच नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट फिर बैक पोस्ट स्टिच बनेगा। तो ये देखिए जो हम सेकंड रो बनाएंगे ये उसमें हम जो हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच है उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट स्टिच ही बनाएंगे और जो बैक पोस्ट है वहाँ पे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से हम जितनी हमें अपने ये नेक की लेंथ बनानी है उतने उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रोज़ बनाएंगे।
अगर आप इसमें 15 या 16 तक रोज़ बनाएंगी तो ये हमारा हाई नेक भी बन जाएगा, दो या तीन जितनी भी आपको अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रोज़ चाहिए आप उतनी रोज़ बनाएंगे इसमें। ये देखिए, ये मैंने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेक की 3 रोज़ बनाई हैं। ये आप रोज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा कितना प्यारा सा पोंचो बनकर तैयार हुआ है। आप अपने पोंचो को ऐसे सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से ये देखिए फ्लावर बनाकर भी आप लगा सकते हैं क्रोशिए से, या आप दोनों ही तरफ लगा सकते हैं। ये देखिए, ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और एक ही मैंने इस तरह का ये कंट्रास्ट में भी फ्लावर बनाया है, ये भी आप बना के लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप ये रोज़ फ्लावर भी बना के लगा सकते हैं। आप किसी भी, ये आप किसी भी तरह का क्रोशिए से बनाकर फ्लावर, बटरफ्लाई या जो भी आपको अच्छा लगे, आप कुछ भी आर्टिफिशियल भी अपने पोंचों पर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स होप सो आपको मेरी ये पोंचो की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।